कौन? अरे पुणे भैया, हाँ पुणे दादा बोल रहा है। हाँ अरे मैं नजमुद्दीन बोल रहा हूँ। क्या काम है भाई साहब? अरे वो पैसा पेमेंट नहीं आया तुम्हारा यार? आपने लगाया जिनके पास? वो पूनम चंद के। पूनम चंद? कौन पूनम चंद? सीओर सीओर ने ये गलत लगा भाई साहब, नसिंगल लगा है। अच्छा आप कहाँ से बोल रहे हैं? नसिंगल से। कहाँ रहते हो तुम? बलवतपुरे में। तेरे के बलवतपुरा मैया चुदा रहा था क्या? देखो भाई साहब तमीज से बात करो यार जरा यार। तो कौन बोल रहे हैं आप? पूनिया दादा। तो लैंड का दादा तू? देखो भाई साहब मैं अभी गाली बकने का नहीं हूँ, नहीं तो तुम्हारी मैं तोड़ दूंगा। गाली बकने का क्यों नहीं है? कहीं एमसी से आ गया क्या? तेरी अम्मा का भोसड़े में घुस जाऊँ बहन के लौड़े कुत्ते, तेरी माँ का चूत, तेरी बहन में नंद बहन के लौड़े कुत्ते कमीने माँ के लौड़े कहाँ है तू? पूनिया दादा हाँ क्या कर रहे हैं? ये कौन था बहन का लौड़ा? अरे यार वो तो, अरे यार वो कर्मचारी था अपना यार। अरे तो भैया पहले तू बता तेरी माँ का जो तू कौन बोल रहा है? रोज के रोज ऐसे के तुम्हारी माँ चुदवाते रहते हो बहन के लौड़ो। पूनिया दादा हाँ अरे वो कहीं पेमेंट वालों कहीं लफड़ो यार तुम्हारो, सेठ जी बोल रहे हैं। कहाँ का पेमेंट है? वो सरिया सरिया और सीमेंट का। कहाँ का सरिया और सीमेंट? अभी लेगा ना मंदिर में काम चल रहा है तुम्हारा। हाँ तो मंदिर वाले जाने मैं कहीं जानू? तो तुम्हारे नाम से लिखा रहे यार, तुम्हारा साइन हो रहा है इसमें। काहे का साइन हो रहा है? तुम्हारे नाम से उधार लिखा रहा है सरिया। नहीं नहीं उधार उधार नहीं लिया भैया। तो पुण्य दादा हाँ तेरी माँ की भौसड़ी तेरी, तो तू ही देगा पैसा? तेरी बहन की चूत दूंगा तेरे को पैसे, बहन के लोग सामने का तेरी माँ चोत दूंगा। तो फिर पुणे भैया हाँ तो पैसा कौन देगा? तो भैया जो सरिया लाया वही देगा नहीं यार। तो तेरी माँ की चूत तू बीच में हाँ क्यों कर रहा? तो तेरी माँ का चूत तेरी मैं कहा की हाँ कर रहा तू? तो पुणे पहचाने वो? ना नहीं पहचाना। अरे यार शाम को मिले था अपन, तेरी गान मारी थी मैंने। अरे तुम्हारा किले पे हाँ तेरी गान मारी थी रात को, तेरी बहन की जो तो चूतिया बनाने के अलावा कोई काम है तो तुम बहन के लौड़ा और के पास? अरे पुणे दादा हाँ अरे वो सरिया नहीं आया, वो सरिया का पेमेंट कब करोगे यार? कहाँ का सरिया है यार? अरे वो मंदिर के नाम से ले गए थे नहीं यार तुम? तो भैया मैंने ले गया, वो लाए होंगे तो पूछ लूंगा मैं। नाम तुम्हारा लिखा रहा पूनम चंद पूनमरा, तेरी माँ का भोसड़ा लिखा रहा बहन के लौड़ा, तेरी माँ चोट दू तेरी अम्मा का भोसड़े में घुस दूंगा आधी रात को बहन के लौड़ा। अरे पूने दादा और पूने भैया की माँ का घोसड़ा और तेरी भी बहन की क्यूट, बहन के लौड़ा काम करने दे तो नहीं मैं ये चोट दू एक आदमी गुस्सा गई तू। अरे पूने दादा हाँ नमस्कार, मैं रेडी बोल रहा हूँ। कहाँ का रेडुआ? भैया यहाँ से बोल रहा हूँ बारह द्वारी से। हाँ बोलो भाई सर। अरे नमस्कार मैं पूने दादा। ये फोन पे इतना सारे कैसा बोल रहा भैया? ये फोन पे इसलिए बोल रहा हूँ कि ये गांडू फोन फोकट बात कर रहे थे यार कर्मचारी उन पे बोल रहा हूँ। बोलो कहीं ने समझा था ना मार के लौड़ा और किए नहीं गाँव में काट दू नहीं तो एक आध दो की। अरे तो ये न्यू कह रहा है कि पूने दादा का नाम से पैसे लिखा रहा। तो तुम्हारा नाम सामान ले रहा था क्या तुम? कहीं भी नहीं ले गया मैं। तो तेरी माँ का भोसड़ा तेरा नाम तो लिखा रहा गांडू? तेरी माँ का भोसड़ा तेरी कर्मचारी से कह नहीं मार के लौड़ा, कोई का नाम को लिख देता है। अरे पुणे भैया हाँ नमस्कार। नमस्कार तो आप कब देके जा रहे हो पैसा? तेरी माँ का घोसड़ा तुम्हारे पास एक ही काम है ना बहन के लौड़ा और कुत्ते हो, तुम्हारी मैया चोट दू बहन चोट दू तुम्हारी माँ का चोट दू इतना मारूंगा बहन के लौड़ा और तुम्हारी भैया तुम्हारी बहन में लन तुम्हारी माँ का घोसड़ा और बहन के लौड़ा और एक आध दो की गर्दन काट दूंगा कुत्ते हो तुम्हारी माँ का घोसड़ा चुपचाप रहो तुम बहन के लौड़ा। अरे फोन मत लगा देना तेरी माँ चोट दूंगा बहन के लौड़ा, तेरी बहन की चूत तेरी अम्मा का घोसड़ा में घुस दूंगा पूरा साबत का साबत। पूरे दादा